नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मार्च का महीना शुरू हो चुका है। 7 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा और अगले दिन यानी कि 8 मार्च को रंगों से होली खेली जाएगी। इस होली पर वास्तुशास्त्र के कुछ अचूक उपाय किए जा सकते हैं। इसके तहत होली से पहले कुछ सामानों की खरीदारी की जा सकती है। ये सामान वास्तु के लिहाज से काफी कारगर माने गए हैं। इनको घर लाने से सुख समृद्धि और खुशहाली के द्वार खुलते हैं और कभी धन की कमी नहीं रहती है। होली का त्योहार इस साल 8 मार्च को पड़ रहा है। होली के पहले वाली रात में लोग होलिका दहन करते हैं। तांत्रिक प्रभावों को खत्म करने के लिए और टोटकों, बुरी नजर आदि से बचने के लिए हम होली की रात में कुछ मामूली उपाय कर सकते हैं, जिससे हमारे घर में बरकत बनी रहेगी। होली की रात आपको क्या उपाय करना चाहिए? बता दें कि होली और दिवाली तंत्र, मंत्र और यंत्र के लिए जानी जाती है, लेकिन होली पर अगर आप कठिन तंत्र मंत्र नहीं करना चाहते हैं, तो यह बहुत सरल से उपाय आपके ही लिए है। होलिका का पूजन कर पान, फल, मिष्ठान चढ़ाएं तथा दूसरे दिन कुछ चुटकी भस्म लेकर धारण करें तथा पूजन करें। तांत्रिक प्रयोगों से रक्षा होगी। खड़ा नमक, मिर्च, राई लेकर ऊपर से उतार कर होली में डाल दें। किसी व्यक्ति से बचाव के लिए उस व्यक्ति का नाम लेकर डालें। अशुभ ग्रहों के निवारण के लिए होली की भस्म शरीर पर लगाकर स्नान करें। होलिका दहन के दौरान गेहूं की बाली सेंककर घर में रखने से धन धान्य में वृद्धि होती है। इस दौरान किए जाने वाले ज्योतिषी उपाय बहुत ज्यादा असरकारक होते हैं। तो आज हम आपको के बता रहे हैं कुछ उपाय जो आपको कभी धन की कमी नहीं होने देंगे। यदि आप अच्छा खासा धन कमा रहे हैं, बावजूद इसके आपके पास पैसा नहीं रुक रहा है या आपको किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो यह लक्षण वास्तु दोष के माने जाते हैं। घर में उत्पन्न वास्तु दोष के प्रभाव को कम करने के लिए पोलाष्टक से होलिका दहन के बीच एक सुंदर सा बंधनवार या तोरण अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं। ये उपाय आपके घर में उत्पन्न वास्तु दोष को कम कर सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन आवक के स्रोत बढ़ जाएं, तो वास्तु शास्त्र के अनुसार अपने घर की उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में एक्वेरियम रखें। इस दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा माना जाता है। इस दिशा में एक्वेरियम रखने से घर में सुख समृद्धि और शांति की वृद्धि होती है। वास्तु शास्त्र में बांस के पौधे को महत्वपूर्ण बताया गया है। इसे घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार जिस घर में बांस का पौधा होता है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो सकती है, इसलिए अपने घर होली से पहले बांस का पौधा जरूर लाएं। इस पौधे के सकारात्मक प्रभाव से घर में मौजूद सदस्यों के स्वास्थ्य में सुधार होता है और सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। होलिका दहन के बाद जो राख निकलती है, उस भस्म को शरीर पर लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जली हुई होली की गर्म राख घर में समृद्धि लाती है, साथ ही परिवार में शांति व आपसी प्रेम बढ़ता है। इस दिन आम, मंजरी व चंदन को मिलाकर खाने की बड़ी महत्ता है। होली के दिन जो लोग भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं, वे वैकुंठगामी होते हैं। अगर उनकी प्रतिमा हिंडोले, झूला में झूलते हुए है, तो वर्ष भर यह दर्शन शुभता लाते हैं। होली के दिन व्यापार में लाभ के लिए दिन में गुलाल के एक खुले पैकेट में एक मोती शंख और चांदी का एक सिक्का रखकर उसे नए लाल कपड़े में लाल मौली से बांधकर तिजोरी में रखें। इससे आपके व्यापार व्यवसाय में बहुत लाभ ही होगा। होली के दिन मनचाहे वरदान के लिए हनुमान जी को 5 लाल पुष्प के साथ लाल गुलाल चढ़ाएं। आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। होली के दिन आप सुबह बेलपत्र पर सफेद चंदन लगाकर अपनी आपके मन में जो कामना है, जो चीज आप चाहते हैं, बोलते हुए शिवलिंग पर सच्चे मन से अर्पित करें और किसी मंदिर में शंकर जी को पंचमेवा की खीर चढ़ाएं। मनोकामना पूरी होगी। होली के दिन प्रात काल हींग के पानी से कुल्ला मुख शोधन करना चाहिए। प्रात काल उठते ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई वस्तु नहीं खानी चाहिए। जो व्यक्ति आपसे मन ही मन विद्वेष भाव रखता हो, उसके द्वारा दी गई वस्तु को नहीं रखना। उसके द्वारा दी गई वस्तु का सेवन करने से बचना चाहिए।
सिर पर साफा, टोपी आदि पहननी चाहिए। ऐसा करने से सिर पर चावल आदि तांत्रिक वस्तुएं फेंकने के प्रयोगों से रक्षा होती है। यदि व्यक्ति आपका पहना हुआ वस्त्र, रुमाल आदि मांगे अथवा अन्य किसी युक्ति से ले जाना चाहे, तो उसे ऐसा करने से रोकना चाहिए, क्योंकि अनेक तांत्रिक प्रयोगों में पहने हुए वस्त्र, रुमाल आदि की आवश्यकता होती है तथा उनका प्रयोग होने पर संबंधित व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। होली के दिन दूसरे व्यक्ति विरोधी के द्वारा दिया गया दान, इलायची, लौंग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तांत्रिक क्रियाएं शीघ्र प्रभावी होती हैं। गर्भवती महिलाएं भी इस दिन खास सावधानी बरतें। गर्भस्थ शिशुओं और छोटे बच्चों पर तंत्र मंत्र का असर जल्दी होता है। भूल से भी अनजानी वस्तुओं को न छुएं और न ही घर में लेकर आएं। होली पर पूरे दिन अपनी जेब में काले कपड़े में बांधकर काले तिल रखें। रात को जलती होली में उन्हें डाल दें। माना जाता है कि इस तरह आप पर हुआ कोई भी टोटका खत्म हो जाएगा। होलिका दहन तथा उसके दर्शन से शनि राहु केतु के दोषों से शांति मिलती है। होली की भस्म का टीका लगाने से नजर दोष तथा प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। घर में होली की भस्म चांदी की डिब्बी में रखने से कई बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। कार्य में बाधाएं आने पर आटे का चौमुखा दीपक सरसों के तेल से भरकर कुछ दाने काले तिल के डालकर एक बताशा, सिंदूर और एक तांबे का सिक्का डालें। होली की अग्नि से जलाकर घर पर से ये पीड़ित व्यक्ति पर से उतारकर सुनसान चौराहे पर रखकर बगैर पीछे मुड़े वापस आएं तथा हाथ पैर धोकर घर में प्रवेश करें। जलती होली में तीन गोमती चक्र हाथ में लेकर अपने अभीष्ट कार्य को 21 बार मानसिक रूप से कहकर गोमती चक्र अग्नि में डाल दें तथा प्रणाम कर वापस आएं। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो को अपने फैमिली दोस्तों तक पहुंचा दें ताकि और भी लोग इस वीडियो की जानकारी प्राप्त कर सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।